मयंक रूपानी। मयंक, शो मी योर फोटो बेटा, वीडियो ऑन है आपकी। यस बोलिए। हेलो हाँ हेलो बेटा मैम, बोलिए। मैम ने न्यू एडमिशन हुआ है, कल एडमिशन लिया है मैंने। मैम तो ओके मैम स्टडी रिकवर कैसे होगी? बेटा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है? तो आप ग्रुप में बच्चों से पूछ लेना, दे विल प्रोवाइड यू नोट्स। ओके, जो भी क्लास में हुआ है वो सब आपको वो बताएंगे। बाकी मेरा रिवीजन बीएस में तो स्टार्ट हो गया है, तो उससे आपका बीएस का तो कवर हो जाएगा, ठीक है? बाकी अकाउंट्स का रिवीजन जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आपका अकाउंट्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मैम जैसे मैंने कॉमर्स लिया है, तो मैम कॉमर्स आपने करा ली है? बेटा आपने कॉमर्स लिया है ना, तो कॉमर्स में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, इको, अकाउंट्स और कॉमर्स। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो आपको बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगी, और इकोनॉमिक्स आपको आपकी क्लास टीचर प्रियंका मैम पढ़ाएंगी। मैम तो अभी तो उसकी क्लास नहीं है इस वीक बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास इस वीक में नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में होगी, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, बट मैं आपको आपकी मैम का नंबर दे दूंगी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्लास टीचर मैम। ओके यू। यस क्लास, लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, दो चैप्टर्स में डिवाइड है। एक है आपका विदाउट स्टेटमेंट और एक है आपका विद स्टेटमेंट। तो ये विदाउट स्टेटमेंट का चैप्टर है आपका चिल्ड्रन, ठीक है? होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपने शुरुआत से पढ़ा था कि बिजनेस में इवेंट्स होते हैं, ठीक है? कोई भी बिजनेस शुरू होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल के बाद हम उसके जिन जिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनके पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स, जिसको हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद उन अकाउंट्स के हम सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को मैच करते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी अगली प्रोसेस होती है, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बोलेंगे मैम आपने बीच में कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स भी पढ़ाई थी, वो भी एक तरीके से लेजर का ही पार्ट है, ठीक है? चैप्टर्स डिफरेंट हैं बच्चों, लेकिन है तो वो लेजर में ही इन्वॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ये हमें बताती है पूरे अकाउंटिंग पीरियड की। हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ हमें, ठीक है? और आखिर की बैलेंस शीट तैयार करते हैं कि हाँ मेरे बिजनेस की फाइनल बैलेंस शीट ये है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही हो गया कि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं पूरे साल की। बैलेंस शीट का मतलब हम बैलेंस करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को, वहां से हमें पता चलता है कि हमें कितना फायदा हुआ है, क्या पिछले साल से इस साल में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, सब कुछ हमें पता चलता है, ठीक
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस कंसर्न. वही बात है इसमें, ये एक समराइज्ड करके बताता है, ये एक समराइज डाटा, जितना डाटा हमें बिगनिंग से पता होता है हम उसको रिकॉर्ड करते चलते हैं, उसको समराइज करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एट प्रेजेंट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि ये एक समराइज स्टेटमेंट होती है पूरे अकाउंटिंग डाटा की, जो हमें हमारे प्रॉफिट के बारे में और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं हम. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली दो स्टेटमेंट होती हैं इसके, दो नाम से स्टेटमेंट होती हैं इसकी. पहली होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. हम ये बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी द सेम थिंग. हम क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ताकि हमें ये पता चल सके कि बिजनेस के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनके रिजल्ट्स क्या हैं. रिजल्ट्स किस तरीके से, कि हम पता करते हैं कि हमारी कंपनी को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कितना नेट प्रॉफिट हुआ पूरे साल में. अगली स्टेटमेंट हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं. अब पोजीशन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं पूरे साल में, कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमारे बिजनेस में कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है. ठीक है, क्या हमारी लायबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स है और कितनी ओनर की कैपिटल है. ठीक है, इन दो स्टेटमेंट से मिलकर बनता है फाइनल अकाउंट. इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूं बच्चों. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, यानी कि क्यों जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना? कुछ रीजंस की वजह से. वो कौन से रीजंस है? दो रीजंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्यों? क्योंकि वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, यानी कि बिजनेस ने पूरे अकाउंटिंग पीरियड में कितना ग्रॉस लॉस हुआ. ग्रॉस मतलब आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग के टाइम पर हमारा कितना लॉस हुआ. ठीक है, और ट्रेडिंग के टाइम पे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ. हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी पता करते हैं. पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं, उसके बाद हम उसी अमाउंट के साथ और चीजें एड लेस करके, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हुए हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी निकालते हैं. उसके बाद हम इस साल का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारी बहुत हेल्प करता है. ठीक है, ये हमें हमारे खर्चे और हमारी इनकम की सारी डिटेल्स बताता है, चाहे वो डायरेक्ट हुए हो या वो इनडायरेक्ट हुए. ठीक है, खर्चे ही नहीं, हमारी इनकम भी अगर डायरेक्ट हुई हो या इनडायरेक्ट, ये हर एक चीज के बारे में हमें बताता है. ठीक है, ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपने खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं
और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम बहुत से अकाउंटिंग रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरीके के कुछ रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशियोज हमें मदद करते हैं बताने में कि हमारे बिजनेस का मतलब हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी, यानी कि हमारा बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो काम था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे हम बढ़ते हैं कि सेकेंड जो रीजन है बैलेंस शीट, वो हमें कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले ये हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस की एक ट्रू, एक फेयर व्यू बताती है कि हमारा बिजनेस कैस अभी क्या एक्चुअल पोजीशन है फाइनेंशियली। और वो कैसे बताती है, एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब ये जताते हुए, दिखाते हुए, थ्रू बाय रिफ्लेक्टिंग accurate values, assets or liabilities की accurate value reflect कर। दूसरा, वो हमें help करती है, मतलब balance sheet की मदद से हम जो short term solvency position है हमारी entity की वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, short term थोड़ी time की, तो हम उसको हम क्या कह सकते हैं, current ratio निकाल सकते हैं, liquid ratio निकाल सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, यस चिल्ड्रन। उसके बाद ये हमारी हेल्प करता है जब हम देखते हैं हम प्रीवियस ईयर से अपना करेंट बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से करेंट ईयर की बैलेंस शीट कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये तो थे वो रीजंस जिससे हम हमारे लिए जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इन दोनों में, जिसको भी है यू कैन रेज योर हैंड। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या यूजर्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो financial statement provides valuable accounting information to a number of internal and external users. A financial statement जो internal users होते हैं और external users होते हैं उनको एक accounting information provide करती है जो उनके लिए बहुत जरूरी है, आप बोल सकते हो जो उनको बहुत help करती है। Internal users कौन होते हैं, हमारे owners, management, employees और trade unions, ठीक है। ओनर्स कौन होते हैं, जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके, या फिर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या बिजनेस को आगे रन करने के लिए वो ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द सेफ्टी ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड रिटर्न ऑन सच अमाउंट इन्वेस्टेड, वो ये चीज जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो जितना भी पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है उस चीज को देखते हुए और रिटर्न कितना आएगा उस अमाउंट को देखते हुए बहुत कुछ ध्यान में रखकर आगे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलती है कि कितना उन्होंने पैसा लगाया था, कितना उनको रिटर्न आया उस इन्वेस्टमेंट पर। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए
और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनर्स को इस तरीके से मदद करती है। दूसरा है आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट हमें, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है, जितना भी फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बिजनेस की, उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट यूज करती है, फिर आप बोल सकते हो उस इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा नीड होती है। उसी के बेसिस पर वो बिजनेस की प्रोग्रेस देखता है, देखती है और टाइमली डिसीजन लेती है ताकि बिजनेस आराम से यानी कि स्मूथली रन कर सके। ठीक है, अगला है आपका एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों जरूरी होते हैं, क्यों उनको जरूरत होती है, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि वो कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं बेटर वेजेस के लिए। वेजेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, वेजेस होते हैं आपके जैसे बोलते ना, अब मजदूर जो होते हैं उनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता है, इतना काम कर लिया पैसा मिल गया, उसको हम वेजेस कहते हैं। और एम्प्लॉइज को मिलती है सैलरीज, यानी कि वो पूरे मंथली वर्क करते हैं, फिर उनको एक लमसम अमाउंट सैलरी मिलती है। और मजदूरों को, यानी कि आप बोल सकते हो वो वर्कर्स जिनको डेली बेसिस पर पैसे, जितना काम किया उसके पैसे मिल गए, उसको वेजेस कहते हैं। तो वो नेगोशिएट कर सके बेटर वेजेस के लिए, बोनस के लिए और अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए और उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए कि उनकी जॉब बरकरार है। तो उन सब चीज के लिए ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता करना या फिर उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंटरनल यूजर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं आपके क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज उधारी पर सप्लाई करती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये मतलब दीज पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फर्म्स एबिलिटी, फर्म की एबिलिटी, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता कर सके। इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये फर्म्स एबिलिटी पता करने, ठीक है, सॉल्वेंसी पोजीशन, क्योंकि उनको आप बोल सकते हो सप्लाई ही उस बेसिस पर करना होता है। जैसे उन्होंने बोला लिक्विडिटी रेशियोज, यानी कि जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो होते हैं, वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बिजनेस की देखते हैं, मतलब मेजर करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के बेसिस पर क्रेडिटर्स ने डिसाइड करते हैं सब कुछ। क्रेडिटर्स एनालाइज करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्रेडिट वो अलाउ करेंगे या नहीं, मतलब एंटरप्राइजेस में वो उधारी पर सप्लाई करेंगे या नहीं। ठीक है, अगला है आपका बैंकर्स एंड लेंडर्स। चिल्ड्रेन, आपको ये तीनों चीजें कॉपी में लिखनी है। मैं मार्क करना भूल गई थी, इंटरनल यूजर्स तीनों और एक्सटर्नल यूजर्स सारे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अगला है हमारा बैंकर्स एंड लेंडर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं यानी कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी जानने में इच्छुक होते हैं कि क्या ये फर्म हमें इंटरेस्ट दे पाएगी, क्या ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो हमसे उधारी पर जितना पैसा ले रही है
क्या ये ड्यू डेट्स पे हमें रिटर्न कर पाएगी? क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है, बैंकर्स और लेंडर्स पहले वो पता करते हैं, वो देखते हैं, उस हिसाब से ही आपकी फर्म को, आपके एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला है आपका गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें गवर्नमेंट वो देखती है कि हमारे एंटरप्राइज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सही से वर्क कर रही है या नहीं, यानी कि वो रूल्स फॉलो करते हुए चल रही है या नहीं, है ना, वो पॉलिसी डिसीजंस ठीक से ले रही है या नहीं ले रही है वो। और टैक्स अथॉरिटीज तो ये जानने में और ज्यादा इच्छुक होती है, और उनको तो पता भी होना चाहिए कि आपका, मतलब जो आपने आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको देखते हुए टैक्स अथॉरिटीज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, अगला है आपका एक्सटर्नल यूजर में है रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, मतलब उनको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है रिसर्चर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो करते हैं रिसर्च आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से रिलेटेड, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, एंटरप्राइज की हर वो चीज से रिलेट करती है वो चीज जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसर्चर्स के लिए भी जरूरी है। लास्ट है आपका पब्लिक, जनरल पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में इसलिए भी जरूरी है, मतलब उसके लिए, ताकि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देख सके, मतलब उसको पता है कि बिजनेस अगर सही चल रहा है इकोनॉमी में, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जब वो देख रही है कि बिजनेस सही चल रहा है, तो हर वो इंसान, जनरल पब्लिक, किसी भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हाँ ये सही से वर्क कर रहा है, इसको ये बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, तो हर एक इंसान देखता है कि हाँ इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना, हर वो चीज को ध्यान में रखता है। ये थे आपके इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है चिल्ड्रन, यू कैन आस्क बिफोर आई मूव फर्दर। ओके चिल्ड्रन, मैं आगे बढ़ती हूं। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है? ट्रायल बैलेंस हमारे एक मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। उसके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मतलब आप बोल सकते हो उस चीज के लिए जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है, यानी कि जो चीजें हम उसमें लिखते हैं, उनमें से कुछ आइटम्स हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने में, या फिर आप बोल सकते हो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ईच आइटम, किसी भी आइटम को ट्रांसफर करने में, ठीक है, ये जरूरी होता है कि उसका नेचर जानना, यानी कि जान कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी आइटम ट्रांसफर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गिवन आइटम जो है, मतलब जो आइटम हम ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो किस नेचर का है,
क्या वो कैपिटल नेचर का है या वो रेवेन्यू नेचर का है? ठीक है, आइटम्स, जितने आइटम्स ट्रायल बैलेंस में होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बल्कि जो आइटम कैपिटल नेचर के होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। अगर ये तरीका नहीं अपनाया जाता है या नहीं फॉलो किया जाता है सही तरीके से, तो जो रेवेन्यू आइटम है यानी कि रेवेन्यू आइटम को हम कैपिटल आइटम ट्रीट कर रहे हैं और उसको जस्ट अपोजिट, तो कभी भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं बताएगा, ना ही बैलेंस शीट सही और फेयर पोजीशन बिजनेस की या फिर किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन सही से बता पाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है हमें पता करना कि जितने भी आइटम्स हैं ट्रायल बैलेंस में वो कैपिटल आइटम्स है या रेवेन्यू आइटम्स है, ताकि हम जब उनको ट्रांसफर करें फाइनल अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर बैलेंस शीट में, तो हम कहीं भी गड़बड़ ना करें, ताकि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन हमें करेक्ट पता चल सके। ठीक है चिल्ड्रन, कैपिटल नेचर हो आपको पता है बहुत अच्छे से, और रेवेन्यू नेचर होता है आपका ऑन डेली बेसिस इनकम जो होती है, या फिर आप बोल सकते हो आपका इनकम जिसको हम हमें पता है कि ये हमें होगी प्रॉफिट एक तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो ठीक है जो वंस इन एक बार होता है साल में जब हमें पता है कि हमारा इकट्ठा होगा वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है, और जो डेली बेसिस या फिर मेनी टाइम्स होता है उसको हम रेवेन्यू नेचर कहते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये आपको कॉपी में करना है और एग्जाम में भी आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, या हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ती है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैसे? कोई भी पैसा हमने खर्च किया अगर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने में, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट हो गया, या प्लांट या मशीनरी या फर्नीचर, ये सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमें पता है हमें खर्चा एक बार करना है, तो वो हमारा कैपिटल नेचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? जैसे उन्होंने बोला प्रीवियस चैप्टर्स में, फिक्स एसेट्स को हम इनकम अर्न करने में यूज करते हैं, यानी कि दे आर यूज टू अर्न इनकम, एंड यानी कि आप बोल सकते हो हम इसको रीसेल पर्पस के लिए नहीं लेते। फिक्स एसेट्स इसीलिए खरीदे जाते हैं कि ना ही ये, मतलब जो फिक्स एसेट्स परचेज किए गए हैं वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, बट हम उनको एज अ पर्पस टू अर्न इनकम रखते हैं, ना कि उनको रीसेल पर्पस के लिए रखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, मतलब वो खर्चे जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते, या तो वो, या फिर वो खर्चे जब हम फिक्स एसेट को ठीक करवाने में या उसको बेटर करवाने में करते, ठीक है, और उसको सही तरीके से, मतलब अब वो इस्तेमाल हो सकता है,
इस तरीके से उस पर पैसा खर्च करते हैं। मान लो हम वर्कर्स को वेजेस देते हैं कि वो मशीन ठीक करे या फिर मशीन पर काम करे, ठीक है, भाड़ा देते हैं हम प्लांट और मशीन लाने में, ठीक है, तो हमने ये एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं ना, तो इनको ये हम बोलते हैं कि इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, मतलब उसकी वैल्यू में, उसकी कॉस्ट में हम वो चीजें ऐड करते हैं। ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, यानी कि सेकेंड हैंड मशीनरी पर भी ध्यान देना, उसका भी इरेक्शन कराना या उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना कि हाँ वो सही है या नहीं, वो इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, और नहीं है तो उसको ठीक करवा के ही इस्तेमाल कर। तो इसी तरीके के आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो आप रीड करेंगे। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको हम फिक्स एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और समझा देती हूँ, या फिर मैं आज अपना ये वाला टॉपिक यही खत्म करती हूँ। तीन पॉइंट और समझा देती हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, रेवेन्यू हम कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब जितने भी खर्चे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, या फिर आप बोल सकते हो कि हम फिक्स एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में लगाते ताकि हमारा बिजनेस आराम से चले। जैसे अगर हमें लाइसेंस, हम लाइसेंस लेते हैं हम बिजनेस शुरू करें, ठीक है, हम आप बोल सकते हो हम इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, जैसे हमारी गुडविल हुई, हमारा पेटेंट राइट हुआ, हमारा ट्रेडमार्क हुआ, हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं ना कि हमारा बिजनेस सही चले, हमारे बिजनेस का मतलब आप बोल सकते हो कॉपी राइट किसी पे पास ना हो, मेरा बिजनेस अपना चले, उस पर कोई किसी का हक नहीं हो, कोई मेरे नाम से नहीं खोल पाए, तो हर वो चीज का ध्यान में रखते हुए हम अपना बिजनेस आगे फॉलो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, मेरा आज का टॉपिक यही खत्म होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज नहीं हो पाएगा, हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। जितना आपको मार्क कराया है मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, ठीक है, बट पीडीएफ मैं आपको आज नहीं, मैं आपको कल सेंड करूंगी पीडीएफ, क्योंकि कल भी उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा दूंगी, तो आप इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का समझ में आया होगा सबको, जिसको नहीं आया यू कैन रेज हैंड्स। चलिए सबको समझ में आ गया है। अगले पीरियड में मयंक वीडियो ओपन करिए बेटा अपनी। यस मयंक। मैम अभी मैम ढंग से समझ में नहीं आ रहा मैम। बेटा आपने क्योंकि बेसिक्स नहीं पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको ठीक से समझ नहीं आ पाएगा। आप बिल्कुल लास्ट चैप्टर पे चल रहे हो, मेरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट टर्म, आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करना, मैं आपको सिलेबस बता दूंगी, अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, वैसे मैं रिवीजन भी करवाऊंगी जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। सक्षम वीडियो ऑन करिए अपनी। सक्षम जादौन वीडियो ऑन करिए अपनी। यस बोलिए। बेटा अनम्यूट तो करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए। मैम न्यू एडमिशन। अच्छा न्यू एडमिशन है आप भी, ठीक है बेटा, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वी विल हेल्प यू इन दैट। थोड़ा थोड़ा समझते जाओ जितना चल रहा है, और रिवीजन के टाइम पे आपको भी समझ आ जाएगा,
ओके यस मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना था हाँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में नंबर देती हूँ आप तब ऐड हो जाना ठीक है ओके थैंक यू क्लास थैंक यू मैम